हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नया दिन है, नई जगह हम लोग जा रहे हैं। आज एक नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। तो आज हम जा रहे हैं ग्रीन बीच। तो वहाँ पे क्या खास है मैं वहाँ पे जाने के बाद ही आपको बताऊँगी। तो लेट्स गो। फ्रेंड, हम लोग आए हैं ग्रीन बीच पार्क। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या देखने मिलेगा। अब पार्क पे जैसे ही इंटर करोगे तो आगे जाके ये एक शायद पॉन्ड बना गया है जहाँ पे बोटिंग हो रही है। बहुत ही बड़ा पार्क है और सच में बहुत ही खूबसूरत है। तो एक्चुअली यहाँ पे हम एक स्पेशल जगह है वो देखने के लिए, वो एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। तो आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें जाना है वो जगह देखने के लिए। वो क्या है मैं आपको बताऊँगी। और इसी के जो सामने जो है यहाँ पे, ये है क्वींस हाउस। एक्चुअली ये पैलेस है। तो यहाँ से तो ठीक से दिखेगा नहीं एक्चुअली। तो हम ऊपर जाके देखते हैं ये कैसे दिखता है। तो बहुत चलने के बाद जो है फाइनली हम पहुंच गए हैं ऊपर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो है चिल कर रहे हैं। और यही सामने वो क्वींस पैलेस, क्वींस हाउस है जो मैंने आपको दिखाया था। तो आप देख सकते हो लंदन दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो चलो हम जो देखने आए हैं वो देखते हैं। तो हम आज देखने आए हैं रॉयल ऑब्जर्वेटरी। तो यहाँ पे क्या खास है वो हम देखते हैं, थिंग्स टू डू। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या चीज़ है वो मैं आपको जैसे ही आगे आगे हम जाएंगे वैसे मैं आपको बताऊंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक बड़ा सा टेलीस्कोप जो है। यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है इस टेलीस्कोप के बारे में। तो यहाँ पर जो है हम टिकट बाय कर रहे हैं, अराउंड कुछ 14 pounds इसका एक टिकट है। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पे है द ग्रेट इक्विटोरियल टेलीस्कोप। और आप इसका साइज़ देखिए, लिटरली ये इतना बड़ा है, मैं इसको देख के हैरान हो गई थी। और ये अभी भी काम करता है टेलीस्कोप। यहाँ पे लोग स्टडीज़ करने के लिए आते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और पहला टेलीस्कोप कैसे था, कब बना था, ये सारी जो हिस्ट्री है यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छे से दी गई है। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था एक्चुअली ये। तो यहाँ पे जो है बेसिकली टाइम से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है आपको दिखेंगी। आप इसे म्यूज़ियम बोल सकते हो कि टाइम जो है कैसे लोगों ने इसकी खोज की। पहले के लोग जो थे सूरज देखकर कैसे टाइम बताते थे, तो वो एक टाइम पीरियड इन्होंने बताया है कि पहले टाइम कैसे बताते थे, फिर उसके बाद फिर वॉच आए। एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके इन्होंने बताई है। तो अब हम जा रहे हैं द मेरिडियन लाइन की तरफ। सभी ने स्कूल में पढ़ा होगा, सुना होगा प्राइम मेरिडियन के बारे में। तो आज हम वो अपने आँखों से देखने जा रहे हैं जो इन्वेंट हुआ था इंग्लैंड में। तो सभी को तो पता होगा कि हमारा जो टाइम होता है वो GMT में बताया जाता है। तो GMT जो है एक्चुअल है ग्रीनविच मीन टाइम, जो यहाँ पर ही इन्वेंट हुआ था। सभी को पता ही होगा कि जो प्राइम मेरिडियन है वो लाइन जो है वो 0° लॉन्गिट्यूड पे बताई जाती है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है और जो मेजर करती है डिस्टेंस बोथ साइड ईस्ट एंड वेस्ट, जिसे हम लोग GMT कहते हैं। और GMT का फुल फॉर्म ही है ग्रीनविच मीन टाइम। तो सबसे पहले जो है 1720 में इसे इन्वेंट किया गया था। तो यहाँ पे जो है वो तीन इन्वेंटर के जो है नाम, आई डोंट नो इन्हें इन्वेंटर बोलते हैं या कुछ और इनका नाम है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने ये जो लाइन बताई गई थी, तो यहाँ पे एक बड़े बड़े टेलीस्कोप देखे जाएंगे जिसमें से ये लोग अर्थ एंड मून का डिस्टेंस देखकर जो है इन्होंने जो है टाइम फाइंड आउट किया था।
तो आप यहाँ पे जो है एक्चुअल देख सकते हो अर्थ को। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि ये GMT कैसे वर्क करता है। तो अभी बजे है 2:30 और 0 degree लॉन्गिट्यूड पे है, और ये रहा लंदन और ये रहा ग्रीन स्टार जो है ग्रीनविच। तो ये जो लाइन जा रही है उसके अगर हम वेस्ट जाएंगे तो GMT माइनस हो जाती है। तो आप यहाँ पे टाइम देख सकते हो, दोपहर के जो है सुबह के 9:30 है, 8:30 है, 7:30 है, और जब हम फिर से 0 degree पे आ जाते हैं तो फिर से वहाँ पे 2:30 हुए हैं, लेकिन वो जो है रात के 2:30 हुए हैं। तो वैसे ही अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वो GMT प्लस किया जाता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि टाइम जो है इंडिया का अभी है 7:30, यानी शाम के जो है 7:30 हुए हैं इंडिया में, और लंदन में जो है हुए हैं 2:30 दोपहर के। तो इस तरह से जो है पूरे 24 आवर्स कैलकुलेट किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो ये जो खोज हुई है वो जो 0 degree प्राइम मेरिडियन लाइन जो है वो यहाँ पे ग्रीनविच पार्क में की गई है। तो ये है सर जॉर्ज एरी। तो ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन जो है इन्हीं के नाम से जानी जाती है यहाँ पे। तो ये रही प्राइम मेरिडियन लाइन जो इस तरह से जो है यहाँ पे बनाई गई है। तो बहुत लोग थे यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी लाइन लगी है फ़ोटो लेने के लिए। तो ये रही वो प्राइम मेरिडियन लाइन जो ग्रीनविच पार्क से होके जाती है, और यहीं पे इसे इन्वेंट किया गया था। तो ये वो लाइन है जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ के नाम लिखे गए हैं, और यहाँ पे है ये बॉम्बे 72 degree एंड सिंगापुर 103 degree। तो ये रही वो लाइन जो यहाँ से होके गुज़रती है। तो बहुत ही अमेजिंग और कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए आज मिला, बहुत ही अच्छा लगा एक्चुअली यहाँ पे आके। तो इसके बाद जो है हम आए हैं एक डार्क रूम में, और यहाँ पे टेबल पे आप देख सकते हो कि गाड़ियाँ जा रही है यहाँ से वहाँ। तो ये यहाँ पे जो है लाइव टेलीस्कोप्स के हमें दिखा गया है, और ये रहा ऊपर टेलीस्कोप जो बाहर की तरफ है, और बाहर का जो व्यू है वो हम इस टेबल पे अभी लाइव जो है वो देख रहे हैं। सो यही वो व्यू है जो हम अंदर से टेबल पर देख रहे थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ियाँ जा रही है, सेम यही व्यू है। और आप ऊपर इस यहाँ पे देखो, ये टेलीस्कोप लगाया गया है। बहुत ही मतलब जिनको साइंस पसंद है ना, तो जिनको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगेगी। तो बहुत ही नया एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो आप यहाँ से व्यू देखिए, इतना खूबसूरत है, आधा लंदन यहाँ से दिखाई दे रहा है। और ये रहा वो सामने पैलेस जो हमें विज़िट करने नहीं मिला क्योंकि टाइम काफ़ी कम था, एंड बच्चों को जो है भूख लगी थी, बच्चे बोर हो गए थे वो सारी चीज़ें देखकर। तो फाइनली मैंने घर से जो है पराठे एंड मखाने बना कर लाए थे जो हम लोग ने यहाँ पे गार्डन में बैठकर एंजॉय किए। और बच्चों को जो है ना खेलना था एक्चुअली, गार्डन तो लेकर आए थे लेकिन उन्हें खेलने नहीं मिला था, और वो जो सारी चीज़ें उनके लिए काफ़ी अलग थी, तो उनको जो था प्लेग्राउंड में जाके खेलना था। तो फाइनली जो है हम उनको प्लेग्राउंड में लेकर गए। तो यहाँ पे रश देखकर एक्चुअली मुझे ये लगा कि बच्चे कैसे खेलेंगे, लेकिन ये जो प्लेग्राउंड है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बच्चे जो है आराम से खेल सकते हैं। सच में ये पार्क मुझे बहुत पसंद है, मतलब बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब ऐसी नहीं कि थोड़ा सा स्लाइड हो गया, ये हो गया एंड बस हो गया। बहुत ही अलग अलग यहाँ पे एक्टिविटीज़ मुझे दिखाई दी, मतलब बच्चों के हिसाब से, मतलब ऐसे बड़े बच्चे हैं उनके लिए कुछ अलग था, छोटे बच्चे हैं उनके लिए कुछ अलग था। तो काफ़ी बड़ा पार्क था ये, काफ़ी बड़ा था, और बहुत सारे आप देख सकते हो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर जो है यहाँ पे आए थे। तो अच्छा लगा, बहुत टाइम तक हम लोग यहाँ पे थे।
हाय फ्रेंड्स, तो 6 बज चुके हैं। 2 घंटे से बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं लेकिन घर जाने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन हमें फाइनली घर जाना है। तो मेरा ये आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसे लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे मैं बहुत सारे पार्क्स में जा रही हूँ, उसके ब्लॉग्स निकाल रही हूँ, तो आप ज़रूर मुझे बताइए कि यहाँ के लंदन के जो पार्क है वो आपको कैसे लगे। और अगर आप यहाँ पे आते हो तो इस ग्रीनविच पार्क में ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पे जो ऑब्जर्वेटरी है जो मैंने आपको आज दिखाई बहुत ही बेहतरीन है, तो इसे ज़रूर विज़िट करें। तो मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तो आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।